आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में अलार्म नहीं बज रहा है तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए। नीचे आकर यहाँ पे आएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, या फिर आपके फ़ोन में साउंड एंड वॉल्यूम के नाम से आ सकता है, तो इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम और नीचे अलार्म वॉल्यूम आएगा। अगर आपका अलार्म वॉल्यूम यहाँ से कम है तो इसे फुल करिए कुछ इस तरीके से। अब इसे फुल करने के बाद ऊपर आएगा नोटिफिकेशन, रिंगटोन और इसके नीचे अलार्म आएगा। अगर आपके फ़ोन में अलार्म के लिए कोई रिंगटोन या फिर अलार्म के लिए कोई साउंड सेट नहीं है तो यहाँ पे कोई साउंड सेलेक्ट करिए। तो जैसे कि अगर आपका यहाँ पे साइलेंट आ रहा है तो इसीलिए आपका अलार्म नहीं बज रहा है, तो इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आएगा यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड रिंगटोन्स, इस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद अलार्म आएगा, इस पर क्लिक करिए। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमारा सेलेक्ट है डोंट सेट रिंगटोन, यानी कि कोई रिंगटोन सेलेक्ट नहीं है, तो अब यहाँ पे आप नीचे कोई रिंगटोन सेट करिए। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे हम ये वाली रिंगटोन सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब रिंगटोन सेट हो चुकी है। उसके बाद बैक आइए और इसका दूसरा तरीका है क्लॉक ऐप ओपन करने के बाद, यानी कि अलार्म लगाने वाला ऐप ओपन करने के बाद ऊपर तीन डॉट पे क्लिक करिए। उसके बाद सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे अलार्म रिंगटोन आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब ऑल रिंगटोन्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ पे आकर रिंगटोन लगा सकते हैं। लगाने के लिए यहाँ पे रिंगटोन के सामने अप्लाई आएगा, इस पर क्लिक करिए और ओके करिए। और रिंगटोन इस तरीके से सेट करें अलार्म के लिए। और अब इसे सेट करने के बाद अपना रिंगटोन वॉल्यूम ज़रूर चेक करें। यहाँ पे सेटिंग में जाकर साउंड एंड वाइब्रेशन में अलार्म वॉल्यूम को फुल करिए इस तरीके से, और उसके बाद आप अलार्म लगा सकते हैं और आपका अलार्म अब ज़रूर बजेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।